वेलकम टू फिट तक। आज हम लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट का मतलब है कि जिसका लिवर फेल हो गया है या जिसके लिवर के अंदर कैंसर है, उसका पूरा लिवर निकाल कर उस पेशेंट में एक नया लिवर लगाया जाए, उसको लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब लिवर ट्रांसप्लांट दो तरीके से किया जा सकता है। जो नया लिवर है वो एक इंसान का होता है, अभी लैब में लिवर्स ग्रो नहीं होते हैं, फ्यूचर में होंगे पता नहीं। तो इंसान का लिवर या तो एक मृत इंसान से लिया जाता है, उसको बोलते हैं कैडेवरिक या डिसीज्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, और या एक जीवित व्यक्ति से लिया जाता है, उसको बोलते हैं लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। जो कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट है, उसके लिए जब पेशेंट्स को लिवर टीम्स, जैसे हमारे हॉस्पिटल की लिवर टीम एक पेशेंट को देखती है और ये ओपिनियन आता है कि इस पेशेंट का लिवर बहुत ख़राब है, लिवर फेलियर है और इनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर उनका हम जांच करते हैं, पूरी बॉडी का जांच होता है, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, और उसके बाद फिर उस पेशेंट को नेशनल वेटिंग लिस्ट पर लिस्ट किया जाता है, उसकी वेटिंग लिस्ट में उनका नाम डाला जाता है। ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि 6 महीने से लेकर 15 महीने तक वेटिंग लिस्ट है, तो कई पेशेंट्स इतना लंबा वेट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए फिर लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बेटर है। उसमें परिवार का एक सदस्य जिनकी उम्र 18 से 55 होनी चाहिए, वो ओवरवेट नहीं होने चाहिए और ब्लड ग्रुप मैच्ड हो तो अच्छा है, यानी पेशेंट का अगर ब्लड ग्रुप है ए तो डोनर का भी ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के डोनर को फिर इवैल्यूएट किया जाता है, उनकी सेफ्टी देखी जाती है, उनकी मैचिंग देखी जाती है, और फिर जब सब मेडिकली डोनर के लिए और पेशेंट के लिए ठीक होता है, तो फिर उस डोनर से आधा लिवर लेकर पेशेंट का ट्रांसप्लांट होता है और पेशेंट का खराब लिवर पूरा निकाल देते हैं, और जितना लिवर डोनर के अंदर बचता है और जितना पेशेंट को दिया जाता है, वो दोनों बढ़कर फुल रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि फुल साइज़ के हो जाते हैं विद इन 2-3 मंथ्स। डोनर साइड ऑल्सो रिकवर्स टू फुल साइज एंड द न्यू लिवर इन द पेशेंट ऑल्सो ग्रोज टू फुल साइज्ड लिवर विद इन 2-3 मंथ्स। दो तरह की बीमारियां होती हैं लिवर में जिसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। वन ऑफ देम इज लिवर फेलियर, विच मीन्स द लिवर बिकम्स डैमेज्ड यूजुअली क्रॉनिकली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आइदर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एल्कोहल इनटेक और बिकॉज ऑफ फैटी लिवर ड्यू टू नॉन एल्कोहलिक कॉजेज। ये नॉन एल्कोहलिक कॉजेज क्या हैं? जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो, या जब मोटापा हो, ओबेसिटी हो, या लिपिड्स आर बैड, विच मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल अक्यूमुलेट्स इन द बॉडी, या फिर पुअर लाइफस्टाइल हो, पुअर डाइट हो, फास्ट फूड की कंजम्पशन ओवर ईयर्स हो और एक्सरसाइज ना हो, तो इन सब कंडीशंस में लिवर में फैट अक्यूमुलेट होता है और उस फैट से लिवर का डैमेज होता है। आफ्टर द डैमेज लिवर बिकम्स स्कार्ड, इवेंचुअली इट बिकम्स सिरोटिक। सो सिरोसिस ऑफ द लिवर इज नथिंग बट अ स्कार्ड लिवर फ्रॉम प्रीवियस मेनी ईयर्स ऑफ लिवर डैमेज। एल्कोहल और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर के अलावा हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी भी कारण है लिवर फेलियर के। और जब लिवर फेल होता है तो उस कंडीशन में 20-25% लोगों में लिवर कैंसर बनता है। तो लिवर फेलियर और लिवर कैंसर, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, स्पेशली अडल्ट्स में। व्हाट अबाउट चिल्ड्रन? बच्चों में दो तरह की लिवर डिजीजेस होती हैं जिनके लिए लिवर ट्रांसप्लांट इज नीडेड। वन इज बिलियरी अट्रीजिया, जिसमें बाइल डक्ट्स की बनावट में खराबी होती है बच्चों में, क्योंकि लिवर में बाइल सीक्रेट होता है जो कि आंत में जाता है बाइल डक्ट्स के द्वारा और डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो बाइल डक्ट्स खराब होते हैं, तो उसमें फिर लिवर में बिलिरुबिन और बाइल अक्यूमुलेट होता है और वो सर्कुलेशन में आ जाता है, तो जॉन्डिस होता है, लिवर डैमेज होता है। और दूसरा है मेटाबॉलिक लिवर कंडीशंस, जिसमें क्या होता है कि लिवर में कुछ एंजाइम्स होती हैं जो डेफिशिएंट होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस काम नहीं करते हैं और लिवर ख़राब होता है और बॉडी के बाकी फंक्शन भी अफेक्ट होते हैं। तो ये दो कंडीशंस, बिलियरी एट्रीजिया एंड मेटाबॉलिक कंडीशंस, आर द टू रीजंस फॉर
kids or children requiring liver transplant.